चलो बेटो, आज हम जानने वाले हैं, देखिए व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो आप कहोगे दिस इज कोकोनट, ये एक नारियल है। ये क्या है? नारियल, कोकोनट, कोकोनट मीन्स नारियल। दिस इज ए कोकोनट, ये एक नारियल है। फिर कहोगे व्हाट इज दिस, इसके बारे में बताइए आप। तो दिस इज एप्पल, नहीं, दिस इज एन एप्पल, क्योंकि एप्पल में ए एन आर्टिकल लगता है, ए नहीं लगेगा। आर्टिकल कौन सा लगता है इसमें? एन, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है एप्पल, हिंदी के वोवेल्स, हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है, तो इसको एन एप्पल बोलते हैं। दिस इज एन एप्पल, क्या बोलेंगे अपन? दिस इज एन एप्पल। अच्छा, और हम जान लेते हैं तो, अच्छा इसके बारे में बताइए। दिस इज ऑनियन, तो ऑनियन यानी प्याज, तो एन ऑनियन, दिस इज एन ऑनियन, क्योंकि ओ इसमें ओ आ रहा है, तो ओ भी स्वर है, ओ भी वोवेल्स है। अच्छा, दिस इज एन ऑनियन, ठीक। अच्छा, इसके बारे में बताइए, व्हाट इज दिस? आप कहोगे दिस इज पोटैटो, ये आलू है। क्या है? आलू, आलू सब्जी बनाने में काम आता है, आपको मालूम हो, सब्जी बनाने, चिप्स बनाने में बहुत सारे जगह काम आता है। तो आलू पोटैटोस, ये इसके तो यहाँ पे उग रहा है, उग भी जाता है, इसको टुकड़े करके ज़मीन में गाड़ देते हैं, भी किसान लोग खेत में गाड़ते हैं, तो उग भी जाता है, इसकी आँख दिख रही है, वो इसकी जड़ बन जाती है। तो पोटैटोस, पोटैटोस में आलू, तो दिस इज ए पोटैटो, इसमें ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि पोटैटो पी से शुरू होता है और इसमें ए लगाएंगे। दिस इज ए पोटैटो, क्या लगाएंगे? ए पोटैटो। अच्छा, आपसे और पूछ लेते हैं, व्हाट इज दिस? अब ये क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा, व्हाट इज दिस, मेरे को पता नहीं लग रहा, अब आप बताइए क्या है, व्हाट इज दिस? तो आप कहेंगे दिस इज रेडिस, ये एक मूली है। ये क्या है? मूली। तो दिस इज ए रेडिस, ये एक मूली है। क्या बताएंगे आप? ये एक मूली है। अब आपसे कुछ और पूछ लेता हूँ मैं, इसके अंदर कुछ आपको दिख रही है लाल लाल। तो दोस्तों, व्हाट इज दिस, अब ये क्या है, इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा आप। थैली के अंदर फेंक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, दिख रही होगी आपको बड़ी अच्छी तरह से। तो व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है, खाने की चीज़ है? तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो ये बेटे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लच्छा पराठा। देखो मनीषा की मम्मी ने कैसे लच्छा पराठा बनाया है, और देख लेते हैं, देखो कितने बढ़िया बनाया है, वाह। अब बनाए कैसे ये देखना पड़ेगा, देखो बड़ा अच्छा बनाया है, देखो। और पराठे के अंदर देखो कितनी लहर है, देखो लेयर बन रही है इसके अंदर, देखो हम गिन सकते हैं, देखो यहाँ पे एक दो तीन चार लहर, एक के अंदर चार चार लेयर बन रही है, परत बन रही है। तो बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट पराठे बने हैं, देखो ये इसके अंदर पराठे की लेयर भी कितनी बढ़िया बढ़िया बने, देखो ये एक दो तीन चार, चार चार लेयर बन रही, वाह। अब देखते हैं उन्होंने पराठे बनाए कैसे हैं। सबसे पहले अपनों को ये देखना है कि बनाए कैसे हैं, तो आइए उनसे जान लेते हैं। तभी वो बाहर चले गए हैं, देखते हैं कहाँ चले गए यार। चलो कुछ अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों देखा, सबसे पहले तो उन्होंने आयल लगाया होगा, देखो मैंने एक बार देखा था उनसे, तो ऐसे आयल लगाया, और उसके बाद देखो ऐसे इस चाकू से इस तरीके से काट दिया, फिर यहाँ से इसको ऐसे इस तरह से मोड़ दिया, तो दो परत तो ये बन गई है ना, दो के बाद एक ये परत हो गई नीचे वाली, तीन परत हो गई। फिर इसके बाद इसको ऐसे मोड़ दिया, यहाँ से ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे, मैंने एक बार देखा था तो उन्होंने ऐसे ही करा था, देखता हूँ कितना बनने थे बनने तक। अब गए कहाँ ये विचार नहीं लग रहा है मेरे को। चलो बाहर चले गए हैं, किसी महिलाओं से बातें कर रहे हैं, तो क्या करें यार, कुछ ना कुछ तो तवा जल रहा है, कुछ ना कुछ तो हेल्प करनी पड़ेगी अपनों को। देख लेते हैं, तो देख लेते हैं, एक हाथ से तो बेलने में आएगा नहीं, उनको कहा था कि मोबाइल पकड़ लो, मोबाइल भी नहीं पकड़ रहे हो।
तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया हाथ से, तो चलो डाल देते हैं इसको। तो देख लेते हैं कितने अच्छी बन जाता है पराठा। तो फाइनली दोस्तों पराठा बन के तैयार होगा, देखते हैं। तो मनीषा की मम्मी आ चुकी है और पराठे बन गए हैं। तो इसमें ऑयल लगा देते हैं। देखिए तो इस तरह से पराठे, लच्छेदार पराठे बना के उन्होंने, देखे बहुत सारे पराठे बना के तैयार कर रखे हैं। चाहे तो आप भी खा सकते हैं, और जिन जिन को खाना है खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे पराठे बनाए। अब आज के पराठे उनको बहुत अच्छे, आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पराठे कैसे लग रहे हैं। थैंक यू। तो फिर दोस्तों आज हम देखने वाले हैं लच्छा पराठा। देखो मनीषा की मम्मी ने कैसे लच्छा पराठा बनाया है, और देख लेते हैं। देखो कितने बढ़िया बनाया है, वाह। अब बनाए कैसे ये देखना पड़ेगा। देखो बड़ा अच्छा बनाया है। देखो और पराठे के अंदर देखो कितनी लहर है, देखो लेयर बन रही है इसके अंदर। देखो हम गिन सकते हैं, देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लहर, एक के अंदर 4-4 लेयर बन रही है, परत बन रही है। तो बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट पराठे बने हैं। देखो ये इसके अंदर पराठे की लेयर भी कितनी बढ़िया बढ़िया बने। देखो ये 1, 2, 3, 4 4-4 लेयर बन रही, वाह। अब देखते हैं उन्होंने पराठे बनाए कैसे हैं। सबसे पहले अपनों को ये देखना है कि बनाए कैसे हैं, तो आइए उनसे जान लेते हैं। तभी वो बाहर चले गए हैं, देखते हैं कहाँ चले गए। चलो कुछ अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों देखा, सबसे पहले तो उन्होंने ऑयल लगाया होगा। देखो मैंने एक बार देखा था उनसे, तो ऐसे ऑयल लगाया, और उसके बाद देखो ऐसे इस चाकू से इस तरीके से काट दिया, फिर यहाँ से इसको ऐसे इस तरह से मोड़ दिया। तो दो परत तो ये बन गई है ना, दो के बाद एक ये परत हो गई नीचे वाली, 3 परत हो गई। फिर इसके बाद इसको ऐसे मोड़ दिया यहाँ से ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे। मैंने एक बार देखा था तो उन्होंने ऐसे ही करा था। देखता हूँ कि तक बनने तक बनने तक अब गए कहाँ, ये विचार नहीं लग रहा है मेरे को। चलो बाहर चले गए हैं, किसी महिलाओं से बातें कर रहे हैं, तो क्या करें यार, कुछ ना कुछ तो तवा जल रहा है, कुछ ना कुछ तो हेल्प करनी पड़ेगी अपनों को। देख लेते हैं, तो देख लेते हैं, एक हाथ से तो बिलने में आएगा नहीं। उनको कहा था कि मोबाइल पकड़ लो, मोबाइल भी नहीं पकड़ रहे हो। तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया एक हाथ से, तो चलो डाल देते हैं इसको। तो देख लेते हैं कितने अच्छी बन जाता है पराठा। तो फाइनली दोस्तों पराठा बन के तैयार होगा, देखते हैं। तो मनीषा की मम्मी आ चुकी है और पराठे बन गए हैं अभी। तो इसमें ऑयल लगा देते हैं। देखिए तो इस तरह से पराठे, लच्छेदार पराठे बना के उन्होंने, देखे बहुत सारे पराठे बना के तैयार कर रखे हैं। चाहे तो आप भी खा सकते हैं, और जिन जिन को खाना है खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे पराठे बनाए। अब आज के पराठे उनको बहुत अच्छे, आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पराठे कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।